गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच गई हूँ लिफ्री हॉस्टल। ये है हमारा पिकअप पॉइंट। यहाँ से हम निकलेंगे आज और पहुंचेंगे लोहा जंग बेस कैंप। हमें 5:30 बजे यहाँ पहुंचना था लिफ्री हॉस्टल, जो ऋषिकेश में है। ऋषिकेश से शुरू होती है हमारी जर्नी ब्रह्मतल ट्रैक के लिए। हमें 5:30 बजे पिकअप किया जाता है हमारे लोहा जंग बेस कैंप के लिए, जिसका टोटल डिस्टेंस है 260 किलोमीटर, जिसे कंप्लीट करने में हमें लगेंगे 10 से 11 घंटे। हम देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग क्रॉस करते हुए गुजरते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है अलकनंदा और भाग्यरथी का मिलन। साथ ही में मंदाकिनी और पिंडारी नदी भी देखने को मिलती है। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, दो नदियों का मेल हो रहा है, अलकनंदा और भाग्यरथी का, एंड इट्स ब्यूटिफुल एज यू कैन सी। बहुत ही प्यारा व्यू है। ये एक छोटा सा गांव है देवाल करके, जहाँ हमने लंच किया है, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड नाइस। क्या खा रहे हो? च्युइंग गम। सो हम लोग पहुंच गए हैं बेस कैंप, सामान लेके नीचे जाएंगे, एंड दिस इज आवर बेस कैंप। दिस इज द वे टू आवर बेस कैंप। So this will be our tent for next 3 days. आपका स्वागत है लॉजिंग बेस कैंप में, और मेरा नाम गोपाल सिंह, और बेसिकली मैं यहाँ मंदोली विलेज हूँ। So ये है गरम गरम खाना, पनीर एंड रोटी, दाल एंड चावल। So अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ टेस्टी टेस्टी खाना, और आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज डे 2 ऑफ माई ट्रैक। आज से हमारा ट्रैक शुरू होगा फ्रॉम लोहा जंग एंड विल बी गोइंग अप। टोटल आई थिंक सो 4.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। हम लोग लंच तक पहुँच जाएंगे। रात बहुत ठंडी थी। बेस कैंप इज रियली वेरी नाइस। सुबह बहुत खूबसूरत सनराइज मिला हम लोगों को। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज मच एज इट इज आवर ट्रेल, इट इज द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, विल नॉट बी डिस्टर्बिंग देम। सो वी आर ऑल सेट टू गो। हम लोग लोहा जंग पे थे, जो हमारा बेस कैंप था, विच वॉज एट 7,700 feet अबाउ द सी लेवल। और अब हमारा पहला कैंप साइट जो होगा वो होगा गुजरानी, विच इज़ 9,200 feet। पहले के 2 घंटे मेरे ख्याल से असेंड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बाद विल बी स्ट्रेट। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। एंड वी आर ऑल सेट टू गो, सो कम विथ मी। सो आज हम लोहा जंग से गुजरानी जाएंगे। टोटल ये 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो 4 से 5 घंटे में हम कवर करेंगे। आज हम एल्टीट्यूड भी गेन करेंगे। अभी हम 7,600 फीट की हाइट पे है, और गुजरानी कैंप साइट है 9,200 फीट की हाइट पे। तो जो हमसे से बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? जैसे नमस्ते कर बोलना हो। सिमंदी। सिमंदी। जो जैन से होता है उसके लिए सिमंदा। ओके, सो इनको सबको सिमंदी बोल दूं? हां, यस। ये पत्थर भी तोड़िए, यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। सो बीच में मुझे वो लेडीज मिल गई थी जो पत्थर तोड़ रही थी, मैंने जाके उनको थोड़ी सी हेल्प की, एंड दे वर सो स्वीट। पहाड़ी लोग सब बहुत अच्छे होते हैं, उनका जो हम लोग को वेलकम है, दैट्स वेरी नाइस। ऑल द गाइड्स आर रियली वेरी नाइस, द ट्रैक लीडर इज वेरी गुड, वेरी हम्बल एंड हेल्पफुल। ये टोटल 26 किलोमीटर का ट्रैक है, जो हम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली ये 6 दिन का ट्रैक है, लेकिन फर्स्ट डे और लास्ट डे हमारा ट्रैवलिंग में जाता है। एक्चुअल ट्रैकिंग सिर्फ 4 दिन की होती है। ये ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आता है। मैंने ये ट्रैक विंटर्स में किया था, तो मुझे तो ये ट्रैक बेहद खूबसूरत लगा। यहाँ पे ये प्यारी सी चाय की स्टॉल है, जहाँ से मैं पी रही हूँ चाय, एज यूजुअल माय फेवरेट चाय, एंड रिलैक्सिंग है फॉर 10-15 मिनट्स। इसके बाद हम आगे जाएंगे। कैन यू इमेजिन, हम लोग यहाँ पहाड़ पे आए हैं, हम लोग को फ्रेश फ्रेश जूस मिल रहा है।
what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. छोटा सा प्यारा सा किचन है. इट्स अ ब्यूटीफुल किचन. ये सारे बर्तन धो के रखे हैं. इतने ठंडे पानी में इन्होंने बर्तन कैसे धोए पता नहीं. हम लोग एक डब्बा धोते टाइम हमारे हाथ फ्रीज हो जाते हैं. हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग इतने सारे बर्तन हम लोग के लिए धोते हैं, हमारे लिए इतनी ठंड में खाना बनाते हैं. एंड दे डू एवरीथिंग फॉर अस. प्लास्टिक्स एंड सिगरेट बट्स ऑल्सो स्टेज इन द फील्ड ऑफ दिस. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल दैम एंड इट्स स्पॉइल्स आवर मदर. सो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यूजिंग दिस. सुपर्ब सुधींद्र, ऑसम अपेक्षिता, ग्रेट गुंजन, मैग्निफिशेंट मोनिश, सिंपल समीर, Mad Madhu. Ini mengenai kita. Biar di. You miss it, you miss it. So here comes the meetha, Shahi Tukra. अजवाइन पानी फॉर योर बेटर डाइजेशन. तो मैं सोने जा रही हूँ और मैं पैक्ड हो गई हूँ रात के लिए. -7-8 डिग्री के लिए हो सकता है रात को स्नोफॉल भी हो जाए. सो आई एम ऑल प्रिपेयर्ड. आई एम स्लीपिंग. गुड नाइट. बाय. सी यू टुमारो. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. डे 3 ऑफ आवर ट्रेक. एंड कल की रात थोड़ी सी डिफिकल्ट थी. ऑल दो इट वॉज वेरी वार्म, हम लोगों ने तीन तीन लेयर्स स्लीपिंग बैग के अंदर दो लेयर्स और डाले थे, तो फिर भी नींद नहीं आई. स्लाइट हेडेक भी है. हो सकता है कि जगह चेंज हुई या बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड इसकी वजह से भी नींद नहीं आई हो. बट कुडंट स्लीप प्रॉपरली. टूट टूट के नींद आई है. बट स्टिल फ्रेश इन द मॉर्निंग, रेडी फॉर डे 3. आज गुरजानी से हम लोग चलंगी जाएंगे और आई थिंक थोड़ा ट्रैक आज डिफिकल्ट होगा. बट लेट्स सी. लोकल डिश. लोकल. वाओ. आज आज की लोकल डिश है. ये है सरसों का साग. राय की भुज्जी. साग मतलब भुज्जी बोलते हैं. चलो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दे दीजिए. अच्छा है. इसके बाद रागी रोटी. मंडुआ. मंडुआ की रोटी. मंडुआ की.
चाय, रागी रोटी, चटनी और सरसों का साग ले लो, चटनी ले लो। जब हम कैंप करते हैं तो हम हमारे बर्तन खुद धोते हैं और इस तरीके से धोते हैं ताकि पानी बचा सके। डोंट वेस्ट वाटर, फिलिंग वाटर। ट्रैकिंग करते टाइम दिन में 4 से 4.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। सो हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए। यू कैन सी एवरीबॉडी इज रेडी विद देयर बैकपैक्स एंड सब निकलने को तैयार है। आज का काफी छोटा ट्रैक है। गुजरैनी से तिलंडी का टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का, जो हम 3 से 4 घंटे में कवर कर लेंगे। हम आज एल्टीट्यूड भी गेन करेंगे। अभी फिलहाल हम 9,200 फीट की हाइट पे हैं और तिलंडी कैंप साइट है 10,490 फीट की हाइट पे। सो आज का ट्रेल पूरा स्नो से भरा हुआ है। We are walking on the snow and we have to be little careful because it's little slippery. It's little ascend also. But ठीक है, since it's very beautiful, तो मजा आ रहा है। And this beautiful sun. भ्रमतल ट्रैक को बेस्ट माउंटेन व्यूज का ट्रैक भी कहा जाता है। बहुत कम ऐसे ट्रैक होते हैं जहां पे इतने सारे माउंटेन रेंजेस आपको एक साथ देखने को मिले। इस ट्रैक पे जैसे ही आप थर्ड डे पहुंचते हो, जैसे ही अपने कैंप साइट पहुंचते हो तिलंडी, आपको ढेर सारे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। मैं बहुत 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 खुश हूं। I'm just enjoying the weather and the view. So this is our first tea break and luckily हम लोग को यहाँ पे ये प्यारा सा ढाबा मिल गया है जहाँ हम चाय पी रहे हैं। पीछे if you can see the lake, उस लेक में मैं जाऊंगी। चूल्हे में ऑमलेट, it tastes really very nice. सूरी भाई बना रहे हैं। So we are leaving our first heat halt. Keep coming everyone. चलो ढाबा था जहाँ हम लोगों ने चाय और कुछ खाया, बिस्किट्स वगैरह। And this is so beautiful view, देखो। तो मैंने दोनों जूतों में पहन लिए हैं माइक्रो स्पाइक्स, ऑल सेट टू वॉक ऑन द स्नो। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। जैसे आपने देखा कि माइक्रो स्पाइक्स पहनने के बाद भी इंसान गिर सकता है इफ यू डोंट पुट योर फुट प्रॉपरली। इसका ये पहनने के बाद वॉक करने का स्टाइल है एक, सो हील फर्स्ट एंड देन टो और एल्स साइड टू साइड। I am just discontinuing the video because I need to get down. मुझे गिरना नहीं है। So दर्शन हो गए मंदिर के। छोटा सा ब्रेक वापस। ये ब्रेक इसके लिए नहीं कि हम थक गए हैं, ये ब्रेक इसके लिए बिकॉज ये बेकाल ताल लेक है। 1 2 3 बेकाल ताल। So you can see snow everywhere. See everywhere the snow. Just see the mountains behind me. बहुत ही खूबसूरत है। जो मेरे पीछे पहाड़ है पूरे स्नो से कवर्ड है। एंड सिंस दिस इज द विंडीएस्ट कैंप, सब लोगों ने अपने आप को कवर कर लिया। इवन आई हैव कवर्ड माई सेल्फ।
Chandi, 10,495 feet high, 3,199 meters high. हम लोग जहाँ से शुरू किया था लोहा जंग वहाँ था 7,700 फीट हाई, फिर हम कल पहुँचे 9,200 पे और आज हम हैं 10,495 फीट पे. आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड. इट्स डैम कोल्ड. मेरे जैसे इंसान को इतने ऊपर चाय मिल जाए उसको और क्या चाहिए. मेरी चाय हो गई है ख़त्म और अब हम तैयार हो रहे हैं जाने के लिए छोटा झंडी वहाँ ऊपर टॉप पे. चलिए मेरे साथ, लेट्स गो. Oh my God, you can see it? Isn't it too beautiful? You all have come from different cities. You all may have not seen this kind of sunset entire your life. I want you all to pause this moment, absorb how much ever you can. सामने छोटा झंडी था जहाँ पे हमें ले जाया गया एक छोटे से हाइक के लिए और जहाँ मैंने देखा अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सनसेट. Good morning. It's 4 o'clock and we have to get up because 6 o'clock at summit ke liye nikalna hai. So, aisa lagta hai hum log ko kisi cheez pe band kar diya. But if I don't do so much of layering and cover up, thand ke mare jaan nikal jati. I'm not refreshing. Pani rakhti hu kya hai? Oh shit. पानी तो जम गया. चुप हो गया. ये कल रात तक लिक्विड था जिसे हम बर्तन धो रहे थे. ये भी जम चुका है. अंधेरा है बट स्टिल ये वॉकिंग विद दिस टॉर्च हेडलैम्प एंड सब लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं. सो आज है समिट डे इसलिए आज के दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी हुई है. 4 बजे हम उठे हैं और 6 बजे हमें निकल जाना है झंडी टॉप के लिए जहाँ पे हम देखेंगे बेहद खूबसूरत सनराइज. उसके बाद हम जाएंगे हमारे समिट की तरफ जो कि है 12,250 फीट की हाइट पे. मेरे पीछे आई सॉ मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज एंड ये झंडी टॉप है जहाँ हम लोग सुबह 6 बजे निकल के पहुँचे हैं. एंड इट इज़ ऑल वर्थ इट. जो आज सुबह उठे 4 बजे रेडी हुए और यहाँ पहुँचे इट्स ऑल वर्थ इट. आई कांट एक्सप्रेस. आई एम सो हैप्पी. दोस्तों ये फील करने के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा. अभी हम लोग समिट के लिए निकल रहे हैं. यहाँ से 2 घंटे का वॉक है एंड बीच बीच में मैंने सुना है कि 2 खतरनाक मोड़ आने वाले हैं जहाँ पे हम लोग को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई फोन और कैमरा बाहर नहीं निकालेगा.
एंड हम चल के आ रहे हैं। बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी, टायर्ड, लिटिल टायर्ड, नॉट मच, बट अभी भी समिट का एक्साइटमेंट बहुत है। डिफिकल्ट पैच, यहाँ से वहाँ से आ रहे हैं लोग, इट्स वेरी रिस्की, कैसे तो करके मैनेज किया है। अगर एक पैर स्लिप हुआ ना तो गए डायरेक्ट खाई में। लकीली दे हैव गिवन अस ट्रैकिंग पोल्स एंड दिस माइक्रो स्पाइक्स, दे हेल्प्ड अस अ लॉट। Dev, come on! Finally, I have summited Brahmataal trek and I'm so 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 happy. ये बता नहीं सकती, ये feeling एक different ही feeling है, एक it's just complete feeling happiness कि मैंने किया है ये। All the way वहाँ से हम लोग चल के आए हैं, तो ऑलमोस्ट 4 घंटा 10 मिनट से हम लोग वॉक कर रहे थे एंड फाइनली वी आर हियर। आई कैन सी ऑल माउंटेंस अराउंड मी एंड वी आर ऑन द पीक एंड दिस इज 3,690 मीटर हाई। माउंट त्रिशूल और माउंट नंदाघुंटी के रेंजेस भी बहुत क्लियरली दिख रहे थे। ऊपर से हमें गाइड जी ने रूपकुंड का ट्रेल भी दिखाया, साथ ही में उन्होंने हमें सारे पहाड़ों के नाम बताए। भाई से बैठ के बातें कर ली, अब टाइम आ गया नीचे उतरने का, बिकॉज हम लोग को लंच से पहले नीचे पहुंचना है अपने कैंप में। इट्स 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और नाना करते भी 1.25 घंटा लग जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन। कैंप साइट पहुंचने से पहले लेफ्ट साइड में आता है बेहद खूबसूरत लेक जिसका नाम है ब्रह्मताल लेक। हमारे ट्रैक का नाम भी इसी के ऊपर है, ब्रह्मताल ट्रैक। पहले यहाँ पे कैंपिंग हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि लोगों ने इसे बहुत गंदा किया और इसके इर्द गिर्द काफी गंदगी फैलाई, इस कारण रिस्ट्रिक्शन आ गए कि किसी भी लेक के पास हम कैंपिंग नहीं कर सकते। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर थर्ड कैंप साइट, दैट इज ब्रह्मताल campsite, which is 10,440 feet above the sea level. चीज के लिए मैं यहाँ आई थी वो मैंने कर ली है। Congratulations for reaching safe from the summit. आज पहाड़ों में मिली है हमें गर्मा गर्म खिचड़ी एंड कढ़ी विद दैट। इन नज़ारों में बैठ के खिचड़ी खाना विद पापड़ एंड सैलड, और क्या चाहिए। और डिनर में आज रोटी है और आलू न्यूट्री है और फिर राइस है और नहीं दाल है और फिर राइस है और फिर स्वीट में अभी गुलाब जामुन आ रहा है और उसके बाद आपका हॉट वाटर में बॉर्नविटा आ रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत अच्छी नींद आई हम लोग को, आई स्लेप्ट सो वेल। उठने का मन नहीं कर रहा, मैं घर वापस सो जाऊं। आज आखिरी, ये हमारी आखिरी रात थी इस टेंट के अंदर, लास्ट थर्ड नाइट। अभी चले जाएंगे नीचे लोहा जंग, उसके बाद बाय बाय टू दिस टेंट। सी द ब्यूटीफुल व्यू।
आज है छोला, रोटी, पिकल, चाय, प्याज सलाद में, उसके बाद आएगा आपका पैक लंच में। आज क्या है पैक लंच? पुलाव। पुलाव, वाओ। बिल्कुल याद रहेगी, ये सब चीजें हम लोग भूल ही नहीं पाएंगे। तो अपना ब्रह्मताल से बेस कैंप है 9 किलोमीटर और 4 किलोमीटर अपना जर्नी टॉप है वो सामने वाला, और थोड़ा सा 200 मीटर असेंड है, मतलब ग्रेजुअल है मगर 200 मीटर थोड़ा असेंड है, और उसके बाद झंडी टॉप से पूरा डिसेंड है, और लगभग 2 किलोमीटर नीचे जाके हमारा लंच पॉइंट रहेगा और वाटर सोर्स वहीं पे मिलेगा। सो हम निकल पड़े हैं बेस कैंप के लिए। सो जर्नी एंड्स हियर। जो ट्रेकिंग की नहीं जर्नी एंड हो रही है, बट जो कैंप्स की थी वो खत्म हो रही है। दिस इज द लास्ट कैंप। आज है day 5। आज ब्रह्मतल कैंप साइट से हम जाएंगे लोहा जंग। टोटल डिस्टेंस है 8.5 से 9 किलोमीटर का, जिसे कवर करने में लग जाएंगे 7 से 8 घंटे। ब्रह्मतल लेक से होते हुए झंडी टॉप क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाएंगे हमारे बेस कैंप, जिसका नाम है लोहा जंग। तो आप देख सकते हैं छोटा सा भैरवनाथ जी का टेंपल है यहाँ पे। जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऐसे छोटे छोटे टेंपल्स हमको बहुत मिलते हैं। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स झंडी टॉप। दिस इज द लास्ट 200 मीटर असेंड, इज लिटिल डिफिकल्ट, इसके बाद डिसेंडिंग है। सो वेल लेट्स टू गो अप। हमारा पहला ईटिंग ब्रेक और रेस्टिंग ब्रेक वहाँ ऊपर है झंडी टॉप पे। यू कैन सी फ्रॉम हियर, उतना ऊपर जाना है। किसी ने यहाँ पे स्माइली बनाई है, सो स्वीट ऑफ हिम और हर। From here, हम लोग वापस नीचे जाएंगे towards लोहा जंग, and अभी ascent सब खत्म हो गया है। This was the last 200 meter का difficult patch. Now we're just descending. तो ये है पहाड़ों की मेहंदी lichen. और यहाँ पे जो पहाड़ी लोग होते हैं इसको कलेक्ट करते हैं बहुत सारा, और फिर इसको पीस के मेहंदी बनाते हैं। ब्रह्मतल मेरा पहला ट्रैक था, और इस ट्रैक को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पहाड़ों से कितना प्यार है और यहाँ पे मुझे कितना सुकून मिलता है। यहीं से शुरू हुई थी मेरी ट्रैकिंग और व्लॉगिंग की जर्नी। ये ट्रैक हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगा, क्योंकि इसकी ढेर सारी मेमोरीज मेरे साथ हमेशा बनी रहेंगी। यहाँ से मुझे नीचे जाना है, आप देख सकते हो मेरे कुछ ट्रैक मेंबर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड कुछ पीछे से आ रहे हैं। Thank you.
रहा था बहुत एंड ही इज हैविंग मिल्क सो क्यूटीज गोदी में नहीं रहना गोदी में नहीं रहना छोड़ दो मुझे आई गुड Everyone is very happy. Bramtal Dan. Yay! 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 Yay!